पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया। इस दौरान दोनों ने दुर्गा कुंड मंदिर में दर्शन भी किए। और अब बात करते हैं पूर्वांचल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट गाजीपुर की, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी की यहां रैली थी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर गाजीपुर की इतनी चर्चा क्यों है, क्योंकि ये सीट एक बाहुबली की है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी मैदान में हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ मुकाबले में हैं और हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। अब सवाल यह है कि क्या बाहुबली मुख्तार की मौत से इस सीट पर असर पड़ेगा, क्या पीएम मोदी की रैली से यहाँ पासा पलट जाएगा, या मुख्तार की मौत के बाद परिवार को सहानुभूति की लहर का फायदा होगा। गाजीपुर की वो सीट जहां एक बाहुबली का दबदबा है, पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में से एक गाजीपुर पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की नजर टिकी हुई है। बीजेपी 400 सीट पार करने के सपने के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। सातवें चरण की वोटिंग से पहले मोदी योगी की जोड़ी ने पूर्वांचल की सीट की सियासत को और गर्म कर दिया। इंडी गठबंधन तुष्टिकरण की सड़क में हर हद पार कर रहा है। ये लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। सपा के नेता राम मंदिर को बेकार और पाखंड बताते हैं। कांग्रेस के सहजादे वो तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का प्लान बना रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म करने की कसम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गाजीपुर पहुंचे योगी ने एक बार फिर यूपी में माफियाओं पर हमला बोला। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। गाजीपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी मैदान में हैं, तो बीजेपी से पारसनाथ राय उन्हें टक्कर दे रहे हैं, तो बीएसपी के टिकट पर डॉक्टर उमेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उन्हें 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि वोटों का प्रतिशत 51.52 था। तो मनोज सिन्हा को 4,40,000 से ज्यादा वोट मिले और 40.65% वोट मिले और 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी से हार मिली। 24 के चुनाव में भी यहां मुकाबला कड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कहा जा रहा है कि परिवार को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में माफियाओं के सफाई का कितना फायदा होगा, ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।